जौनपुर में बसपा से टिकट की कीमत 5 लाख। वाराणसी मंडल के बसपा कोऑर्डिनेटर ने प्रत्याशी से टिकट दिलाने के नाम पर मांगी 5 लाख की रकम। ऑडियो हुआ वायरल, मच गया हड़कंप। जी हां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। आरक्षण की सूची जारी होने के बाद उम्मीदवार मैदान में दमखम लगा दिया है। जौनपुर में आपको बसपा के टिकट से चुनाव लड़ना है तो पहले अपनी जेब गर्म कर लीजिए। यह हम नहीं कह रहे हैं, वायरल ऑडियो खुद बयां कर रहा है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। प्रकाश में आया है कि वार्ड संख्या 19 जिला पंचायत सदस्य रह चुकी सुमन मौर्या के पति इंद्रसेन मौर्या और कोऑर्डिनेटर अमरजीत गौतम के बीच बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आरक्षण की सूची जारी होने के बाद वार्ड संख्या 18 से बसपा के झंडा लेकर चलने वाले इंद्रसेन मौर्या टिकट मांग रहा था। इंद्रसेन का आरोप है कि पैसा लेकर टिकट देने के लिए बसपा कोऑर्डिनेटर ने कहा है। पैसा लेकर टिकट देने का आरोप बसपा में पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इस बार जौनपुर में एक ऐसा ऑडियो वायरल हुआ है कि जिसमें जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी बनाने के लिए कोऑर्डिनेटर 5 लाख रुपए की मांग ऑडियो में सुना जा सकता है। बातचीत जिला पंचायत सदस्य इंद्रसेन मौर्या और वाराणसी मंडल के कोऑर्डिनेटर अमरजीत गौतम में बातचीत का बताया जा रहा है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जी, क्या वो पूरा मामला है? उसमें पूरा मामला है, हम 2007 से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सेक्टर महासचिव के पद पर काम कर रहे हैं और हमेशा जो है पार्टी के लिए कार्य किए हैं। अभी वर्तमान में हम जिला पंचायत सदस्य हैं भी, लेकिन हमको उस समय ये कहा गया अमरजीत गौतम कि आप वार्ड नंबर 18 में जाइए, 19 से दूसरे किसी को लड़ाएंगे। तो 18 में हम चले गए, तो बीच बीच में हम पार्टी के सहयोग पैसे से हर ढंग से जिसे करते रहे, लेकिन इस समय जब हम चुनाव लड़ने की बारी आई तो हमारा तैयारी चुनाव का चल रहा है, लेकिन इसमें जो बीच में एक जो है सुरेंद्र सिंह है उनको ला दिए, पार्टी उतार दी कि पैसा लेकर हमसे 5 लाख रुपए डिमांड किया गया, हम नहीं दिए। हम कहे कि 40-50 हज़ार देंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। कौन पैसा मांग रहा है? अमरजीत गौतम, ये मंडल कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के। आपकी पत्नी पूर्व में आप जिला पंचायत सदस्य थे, किस वार्ड से थे? वार्ड नंबर 19 से। अच्छा, वार्ड नंबर 19 से। 19 से थे, लेकिन हमको ये कहा गया कि आप 18 से जाइए लड़िए, 19 में हम किसी दूसरे को लड़ाएंगे। हम स्वेच्छा से चले गए क्योंकि हम इमामपुर के निवासी हैं, इसमें वर्तमान में इमामपुर ही रहते हैं और उधर भी अपना क्षेत्र बेल ठीक ठाक है, लोगों से संबंध लगाव एक है। तो आपसे बार बार हरासा करके मतलब कि टिकट जो देंगे समर्थित करेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए? जी, उसके लिए पैसा चाहिए, जबकि हम पार्टी के प्रति हमेशा जो है कभी जन्मदिन के नाम पर, कभी उनको अमरजीत गौतम को लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल डलवाने के नाम पर, हमसे आप हमारा ऑडियो सुनेंगे तो उसमें सब है कि कभी 10 हज़ार, कभी 12 हज़ार, कभी 4 हज़ार, कभी 16 हज़ार, ऐसे कईयों बार जो है मतलब हम पैसा दिए हैं, जो कि ऑडियो में भी हमारे उसमें इसका जिक्र है और इससे साफ पता चल जाएगा हाँ ये सत्य है। आपका क्या नाम है पूरा? हमारा नाम इंद्रसेन मौर्य। ठीक है, हेलो हेलो, जय भीम भैया। जय भीम, डॉक्टर इंद्रसेन मौर्य बोल रहे हैं भैया। हाँ बताओ भैया। हमके भैया टिकटवा फाइनल दूसरे कर रहे हैं का जैसे भाई, जब आपने इनकार कर दिया तो बताइए क्या करे? नहीं, कहाँ इनकार, हम तो कहे थे ना कि 40-50 हज़ार तक देंगे। अरे भाई, तो 40-50 से बात नहीं बन रही भैया। नहीं, 40-50, अब 5 लाख बताइए, हम इतने दिन से कार्यकर्ता और अभी तक सब चंदा और शुल्क देते आए इतने दिन से। अच्छा, आपको आपसे हमने उस दिन कहा तो आपने कहा ना कि इससे ज्यादा हम नहीं देंगे, और आप कहेंगे दूसरे को अलाट करेंगे तो हम झंडा बना उतार देंगे। आप नहीं, जब उसमें हम कहे कि अगर हमसे बड़े कोई पदाधिकारी पार्टी के आते हैं, अगर वो लड़ते हैं, हम इस पर पदाधिकारियों को टिकट थोड़ी देंगे। जो पार्टी का फरमान 25 लाख रुपए हमको विधानसभा जमा करना है, कैसे लेंगे आप हमको जरा? तो नहीं बताइए, जैसे ये बताइए, अभी हम जैसे उधर आपको 15 हज़ार जैसे, फिर 8 हज़ार ऐसे देते रहे, फिर उस दिन जो है 4 हज़ार वहाँ मतलब जब कार्यालय मीटिंग था उसमें दिए, फिर अर्जुन भारती आए थे 4 हज़ार दिए, सब तो मैनेज करते ही आए हम। सुनिए आप जी, आपका जो दिए हैं 8 हज़ार नोट है, आपका जो 5 हज़ार हमको भी दिए थे, ठीक है, उसके पहले आपको दिए थे जैसे, इसके पहले भी आप 10-12 हज़ार दिए हैं जी, एक बार 16 हज़ार दिए थे, 8 हज़ार मिलाकर।
16,000 नहीं था वो 12,000 नहीं 16,000 था। चलिए तो वही जो था जी। तो हम कह रहे हैं यार कि ये छिटपुट आप जो दे रहे थे तो ये गलत नहीं कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, लेकिन इधर जो पार्टी का निर्देश ये है जी। हेलो मनवास, हेलो कहाँ हेलो। हाँ तो ये अब हम लोग ही मजबूरी है यार, क्या कहें बताइए। आपसे 20 बार में कह रहा था, आप सुने नहीं। हमने तो आपको उस दिन बता दिया भाई 2,00,000 जमा करा दिया हमने, अभी 3,00,000 और जमा करेंगे वो। यार कुछ जरूरी है अब नहीं जरूरी भैया, लेकिन जैसे पार्टी में हम लोग इतने दिन से 2007 से मतलब सेवा कर रहे हैं पार्टी में, इसका कोई मतलब है नहीं। 2007 से आप सेवा कर रहे हैं तो 2007 से आप पदाधिकारी भी थे पार्टी के, आप जिला पंचायत सदस्य भी है पार्टी के, हैं? नहीं पार्टी के हैं। अगली बार भी हम कहते हैं, अगली बार भी झंडा बैनर लगा के लोहारिया चल रहे थे, जबकि 1,00,000 रुपया हम दिए थे अगली बार भी, लेकिन फिर भी चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, आप लोग रोक पाए थे उनको? लोहारिया गलत कर रहे थे लोहारिया। हेलो जी, लोहारिया को डांटा भी था हमने, बहुत डांटा था। नहीं डांटे थे आप, लेकिन फिर भी लगा के चलें कि नहीं चलें? जैसे देखिए हम लोगों की मजबूरियां भाई, नहीं अपनी मजबूरियां हम बता मतलब रहे हैं, तो उसको आप लोग नहीं पा रहे हैं। जो पार्टी में हम कहते हैं 10-12 साल से सेवा किए, उसका कोई मतलब है नहीं है। पार्टी चलाने के लिए ही तो मांगा जा रहा है कि, और वो अपना घर चलाने के लिए मांगा जा रहा था, बताइए। नहीं पार्टी चलाने के लिए, लेकिन हम कहते हैं जो बाहर से नहीं मांग रहे था ना, लेकिन आपने साफ साफ कह दिया नहीं हम इससे ज्यादा नहीं देंगे जी। आपको देना है तो किसी को दे दीजिए। नहीं हम ये नहीं कहते किसी को देंगे, नहीं हम उतारने की बात नहीं कहते, उतारने की बात नहीं कहते। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर तो जी? नहीं इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप उस दिन कार्यालय पे ये कहें कि मोरे जी, नहीं आप उस दिन ये कहें, छोड़िए मैं टेलीफोन से आपसे बात किया था ना। नहीं नहीं पहले सुनिए, आप उस दिन मैंने आपसे बात किया था कि नहीं किया था, आप बताइए। नहीं क्या, लेकिन 5,00,000 के लिए आप कह रहे थे, 5,00,000 के सामने आपसे बात कराया तो आपने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये नहीं वो, हम कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं करने वाली बात होती तो 40-50 हज़ार कहाँ से आता? जैसे हम तो कहें ना कितना देंगे, लेकिन आप कहें 5,00,000 रुपया। लोगों की मजबूरी है भाई, इतनी बात करनी है थोड़ी। नहीं क्या मजबूरी बताइए, जब विधानसभा अध्यक्ष। हेलो भैया, हम कह भैया कांचन की बात करावा भैया से। भैया हेलो, हमके भैया कितना तब जैसे देना पड़ेगा, अब ऐसे आप लोग गड़बड़ा देंगे तो ऐसे? अब हम लोगों को आप लोग बेइज्जत करते हैं यार। नहीं अब एक आदमी सामने तो है, पैसा भी टोकन में 2,00,000 दे दिया, वो 3,00,000 भी और देगा, अब हम बताइए कैसे पिछा नहीं, अब हम तुम्हारा नहीं कराएंगे यार। नहीं हम कहते हैं, हम जैसे हम कहते हैं 2,50,000। डॉक्टर साहब देखिए हम लोग परेशान हैं, कुछ कराइए। नहीं 2,50,000 करा दें, तो हम 40-50 से ज्यादा नहीं देंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम निर्दल लड़ेंगे। झंडा बैनर निर्दल नहीं, हम कह जैसे लोहारिया लड़े थे उस ढंग से झंडा बैनर लगा को भी जैसे लड़े थे, हम कह रहे हैं गलत बात हमको वो ठीक नहीं लगती है ना। नहीं तो हम कह 2,50,000 कर दें, 2,50,000। अब वो 5,00,000 की बात कर रहा है, 2,50,000 की बात कर रहे हैं भाई। कार्यकर्ता है, कुछ वरीयता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इतने दिन से हम लोग कार्यकर्ता है भाई, आप कार्यकर्ता है जी, तो हमने आपको मौका दिया कि नहीं दिया, हमने आपसे बात किया कि नहीं किया? नहीं, और एक राउंड नहीं, हमने 6 राउंड आपसे बात किया। नहीं आप बताइए हमको, लेकिन आप ये नहीं कर सकते, आप तो हम बातें नहीं की हमसे। नहीं हम तो 40-50 हज़ार देने के लिए फिर भी तैयार थे कार्यकर्ता के नाते, इसीलिए हमने 6 राउंड आपसे बात किया कि भाई जो है देखिए ये कराइए नहीं दिक्कत हो जाएगी। नहीं एक ही बार तो बात हुआ था, जवाब दे दिया हमको, ये हमको बहुत यार। नहीं सीधे हम जवाब नहीं दिए, जिससे सीधे झंडा उतार देंगे। नहीं झंडा उतारने की बात हम नहीं कहते, झंडा उतारने के बाद या तो आपको गलत फहमी हुआ है या आप गलत बोल रहे हैं। गलत फहमी कैसे, इसी हम बैठे हैं, ड्राइवर बैठा है हमारा, ड्राइवर सुन रहा है, ड्राइवर हमसे उसी दिन कहा कि बहुत गलत बोल रहा हूँ जी, हम कह 2,50,000 दे दें, 2,50,000 चाहिए यार। ये देखिए आदमी की बात करते है तो खराब लगता है ना, जब कार्यकर्ता है जैसे ये जैसे हम इतने दिन 2007 से बसपा के लिए जैसे कार्यकर्ता हमारे सर पे इंतजार करेगा, ये बात तो है नहीं ना। नहीं कार्यकर्ता हमारी है, नहीं कार्यकर्ता नहीं, हम इससे ज्यादा नहीं देंगे, बहुत कहेंगे हम निर्दल लड़ लेंगे, झंडा उतार देंगे। कार्यकर्ता ये बोल रहा तो मैंने हमारा नहीं सम्मान कर रहा था, झंडा उतारने वाली बात तो गलत है, झंडा उतारने के लिए हम कहाँ कहे थे?
सिस्टम अच्छा नहीं लगता हमको ना। अब हेलो हेलो हाँ हमके भी तब कितना जैसे देना पड़ेगा जैसे एक तो अरे आप कितना अब हम कहें आप बताइए। अब जब एक आदमी पैसा पकड़ लिया नहीं पैसा पैसा पकड़ लिया लेकिन हम तो जैसे हम 2007 से कार्यकर्ता हैं एक बार इतना नहीं होगा एक दिन जैसे अगर दो दे दिए तो होगा सब कुछ बात कर रहा था इसीलिए आप वर्कर थे पार्टी कार्यकर्ता थे इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा था। नहीं तो फिर हम भी तो उस समय लोगों को तवज्जो देंगे हम नहीं तवज्जो देने वाली बात कहाँ खाली अगर जैसे 2 लाख पकड़ा दिए तो बयाना हो गया हम जो 2007 से जले मरे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है जैसे उसका मतलब है उसका मतलब है तभी आज पंचायत सदस्य भाई तभी आपका इज्जत मान है तभी आपसे 20 बार हमने बात किया नहीं 20 बार एक बार बात करके 20 बार आप कह रहे हैं 20 बार आपको हमने सर्किट हाउस बुलवाया सांसद के सामने बात आपसे करवाया आपने कहा कि नहीं हमको अभी कुछ नहीं कर पाएंगे नहीं, हम कुछ नहीं बहुत हम ये कहें कि क्षेत्र में हम साल नहीं हम ये कहें क्षेत्र में अभी साल वितरण कर रहे हैं हम थोड़ा सा इधर जैसे परेशानी दिक्कत है भाई मतलब हम क्या बड़ा आदमी है नहीं जैसे वो भी तो जरूरी था क्षेत्र की जनता का भी सहयोग करना जरूरी था भाई हम झूठ बोल रहे हैं हम गड़बड़ आदमी है बस नहीं, यही हो। नहीं जैसे साल उल वितरण कर रहे थे ये आप भी जान रहे हैं कुछ समय जैसे क्षेत्र में आपका व्यक्तिगत मामला है ना साल आप बांटिए आप रुपया पैसा बांटिए आप दारू मुर्गा बांटिए तब इसके लिए हम आपको मना करेंगे नहीं आप क्यों बांट रहे हैं नहीं क्षेत्र में अगर गरीब लोगों को जैसे वो नहीं होता एक जैसे ठंडी में तब उससे खाली खाली आपको मौका देंगे नहीं खाली वहाँ पैसा देने से चुनाव जीता नहीं जा सकता क्षेत्र में भी तो जैसे होता है इसीलिए तो आपने इनकार कर दिया इसीलिए हमने दूसरे को मौका दिया ना नहीं दूसरे को मौका दिया लेकिन हमके क्षेत्र में भी जनता के लिए भी जरूरी होता है हम बसपा के ही बीच में जैसे आप आइए मिल बैठ के बात करिएगा ठीक है फोन पर आइए बैठ के बात करिएगा ठीक है।